नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। जब हम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हमें उसकी खूबसूरती तो बहुत भाती है, लेकिन जब हम उसको अगर यूज़ करें और उसके फीचर्स हमारे मुताबिक ना हो तो मोबाइल फ़ोन हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप जितने ही खूबसूरत हों, जितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर आपके अंदर वो फीचर्स नहीं हैं तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे या लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे और आपके साथ शायद दोस्ती भी करना पसंद ना करें, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदत होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती या जिनकी वजह से हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको अप्रिशिएट करें, आपसे दोस्ती करना पसंद करें, आपके साथ बात करना पसंद करें, तो आपके अंदर कुछ आदतें होना बहुत ज़रूरी हैं जो कि लोगों के सामने आपको नुमाया करती हैं और एक अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है लोगों के ऊपर। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हमने टॉप हैट का नाम दिया है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम स्टार्ट करते हैं टी से। टी से आता है टॉक। टॉक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो कोशिश करें बातें करना। इस तरह की बातें नहीं कि जिससे आप बेवकूफ़ लगें या बहुत ही चालाक लगें, बल्कि टॉक करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने के लिए आप हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। टॉक्स एक विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है ये आप बखूबी जानते होंगे। तो लोगों से बातें करना, उनको जानना और कोशिश करना कि अच्छी बात करें ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो सकें। टॉप हैट का ओ रिप्रेजेंट करता है ओबे को। जब आप अपने बड़ों के फरमाबरदार होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, उनकी बातों पर ओबे करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके एल्डर्स हों या आपके टीचर्स हों, तो लोग आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान समझते हैं जो बड़ों की इज़्ज़त करना जानता है। और जब आप बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो छोटे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपके बड़े भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। टॉप हेड का पी रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेशन को। अपनी ज़िंदगी में पार्टिसिपेशन रखें, चाहे वो वॉलंटियरशिप हो, चाहे वो कहीं आप सोशल वर्क कर रहे हों या किसी इवेंट के अंदर आपको स्पीच करनी हो, डिबेट करनी हो, सिंगिंग करनी हो या कुछ भी हो सकता है, कोशिश करें पार्टिसिपेट करें, लोगों की नज़रों में आएं, लोगों को बताएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको अपना टैलेंट भी पता नहीं चलेगा, ना लोग आपको जानेंगे और ना लोगों की नज़र में आपकी कोई ख़ास अहमियत होगी। टॉप हेड का एच रिप्रेजेंट करता है हेल्प को। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें बिना किसी मुनाफे के, बिना किसी मफाद के, जिसमें आपका कोई मफाद ना हो और उस मदद को करके आप भूल जाएं। टॉप हेड का ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेंस को। अपने आप को आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे आपके अंदर कोई इम्पेयरमेंट हो या आप बहुत ज़्यादा लंबे, छोटे, मोटे, काले, गोरे, कुछ भी हो सकते हैं, अपने अंदर एक्सेप्टेंस को ले आएं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जब आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे, अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप लोगों को भी अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखा सकेंगे। टॉप हेड का सेकंड डी और लास्ट डी रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को। ट्रस्ट ये कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाना जो हमने पिछली 5 चीज़ों को डिस्कस किया है, इनको इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल करना कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध हर किसी पर ट्रस्ट करें, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। अगर ये क्वालिटीज़ आपके पास हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।